आवाज आ रही है बेटे मेरी? अच्छा, जी सर आ रही है। बेटा चार्ज के बारे में कल बातें हो रही थी, अगर आपने कोई बात पूछनी है चार्ज के बारे में तो उसके बारे में जी बिस्मिल्लाह। ये 8 सेमेस्टर वाली कल बातें कर रहे थे, फिर हमने बात की थी कि जो है ना अल्लाह आपका भला करे, तो है ये वेंडर ऑफ चार्जेस से क्या मुराद है। ठीक है बेटा, मैं किसको देखा था, वेंडर ऑफ चार्जेस। ठीक है बेटा, इस पे हमने बात शुरू की थी कि वेंडर ऑफ चार्जेस की बात ये गलत अब्दुल्ला ने की थी, क्योंकि वेंडर ऑफ चार्जेस से क्या मुराद है। ठीक है बेटा, तो अगर बेटा मैं आपको, अगर है आपके पास बुक है तो सेक्शन 233 है CRPC का, 233। ठीक है, तो इसमें बताइए एक बात वाजह तौर पर लिखी हुई है कि हर ऑफेंस का जो चार्ज होगा ना वो क्या होगा, सेपरेट फ्रेम होगा। हम आगे बात की, हर ऑफेंस का चार्ज जो होगा वो क्या होगा, सेपरेट फ्रेम होगा। ये है जनरल रूल आपका, अगर आप ये सेक्शन 233 पढ़ोगे। हम आगे बात की, तो इसमें जनरल रूल ने ये कहा था कि जो भी जो शख्स ऑफेंस कमिट करेगा ना उसका चार्ज हमेशा क्या होगा, सेपरेट फ्रेम होगा। ठीक है, तो बात हो रही थी ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस की। ठीक है कि सर ये इससे क्या मुराद है ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस से। जी सर, ठीक है, ये किया आपको इधर से मैंने अनमूट किया। ठीक है, एक आपको कह रहा हूँ, इधर रील आया था। उसके बाद बेटा हमने ये बात की थी इसकी, क्या कहते हैं कि सर चार्ज जो है ये ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस क्या मुराद है। बेटा इसमें एक्सेप्शन आ गई इस सेक्शन को। ठीक है कि जो सेक्शन 233 में बताया गया ना कि हर चार्ज जो हर ऑफेंस होगा ना उसका चार्ज होगा वो क्या होगा, सेपरेट फ्रेम होगा। ये बात एक्सेप्शन लॉ है, जनरल रूल है, समझ आती है। अब इस बात को एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, अगर आप देखोगे तो पहला, अगर आप ये देखो बेटा इसमें जो आपका लिखा हुआ है, इसने 234 में पहली एक्सेप्शन इसने ये लिख ली कि अगर मोर देन ऑफेंस ऑफ सेम काइंड है विद इन आपका 1 ईयर मे बी चार्ज टुगेदर। अगर एक शख्स दो किस्म के मुख्तलिफ ऑफेंस क्या करता है, एक ही साल में कमिट करता है, तो उसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा,
जो है वो सेपरेट फ्रेम होगा, लेकिन इसमें सिंगल अक्यूज को होना जरूरी है, फैक्ट सेम होना चाहिए और बेशक को डिफरेंट पर्सन के अगेंस्ट हो, समझा की बात की। तो यहाँ पर जो चार्ज फ्रेम हो सकता है वो ज्वाइंट, इसे हम कहते हैं ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस, समझ आ गया। अब एक्सेप्शन आ रही है, अगर ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस की पहली बात आए, ये नोट्स में हमने ये बात लिखी हुई है, बता आपको ये चीजें मिल जाएंगी वहाँ पे, ये जो जनरल रूल है ना वो 233 में है कि हर जो शख्स जो जो ऑफेंस कमिट करता है ना, बेशक उसने एक ही अकरस में डकैती भी किया, मर्डर भी किया, समझ आ गई बात की। तो जनरल रूल ये कहता है अगर उस पर पहले चोरी का इल्जाम है, फिर वो चोरी जो है वो बाद में कत्ल उसने कर दिया दौरान चोरी में, एक ही ट्रांजेक्शन है, यानी कि 149 भी हो जाता है, लोग जाते हैं कॉमन इंटेंशन है, 34 आ जाती है, समझ आ गई बात की। इस तरीके से बेटा अगर मुख्तलिफ सीरीज ऑफ ऑफेंसेस बन जाती है तो ये सेटल आ, याद रखिएगा पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए जो 233 में बताई गई है ना कि हर ऑफेंस का जो चार्ज होगा वो क्या होगा बेटा, सेपरेट फ्रेम होगा। लेकिन हमने ये बात की थी कि इसकी सर्टेन एक्सेप्शन हैं, जो पहली एक्सेप्शन मैंने बता दी वो 34 में, ठीक है बेटा, कि सिंगल अक्यूज को होना जरूरी है, उसके बाद सेमनेस ऑफ ऑफेंस होनी चाहिए और साथ क्या हो आपका अगेंस्ट द डिफरेंट पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ऑफेंस सेम हो, सिंगल अक्यूज हो तो उसका जो चार्ज होगा वो इकट्ठा फ्रेम होगा। तो समझदार की बात की। उसके बाद है जो नेक्स्ट जिसकी जो है वो 235 जो मेन सेक्शन है इसका, जो इस क्वेश्चन में अगर आप बता दें 35 और 36 और रीड विद 39 CRPC, यानी कि ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस में कौन कौन से सेक्शन आते हैं बेटा, अगर आप देख रहे हैं 233, 234 और 235, 236, लेकिन जो मेन एक्सेप्शन जो बता रहे हैं ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस का जो कंसेप्ट आ रहा है बेटा 34, 35 और 36 में आ रहा है, समझ आ गई बात की। अब अगर हम 35 की पहली बात करें बेटा, आपको अगर पहला जो उसका सब सेक्शन 1 है, ठीक है, उसका है 1 ट्रायल फॉर मोर देन 1 ऑफेंसेस, ठीक है, 1 ट्रायल, ठीक है, जहाँ पे एक ही ट्रायल में आपको मुख्तलिफ, जैसे मैं आपको पहले मिसाल दे रहा था कि एक ट्रायल में क्या हो रहे हैं, मुख्तलिफ ऑफेंसेस हैं, यानी कि सेम ट्रांजेक्शन है, यानी कि उसने डिकेटी भी किया है साथ उसने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, या हम ऐसे कह दें कि नो लिमिट ऑफ ऑफेंस हो, समझ आ गई बात की, जिसमें लिमिट ही कोई ना हो लेकिन ट्रायल एक हो, मुख्तलिफ ऑफेंसेस हो, मुख्तलिफ ऑफेंसेस हो, ये बात दूसरी बात बता रहा हूँ, 235 सब सेक्शन 1 की बात बता रहा हूँ, कि जहाँ पे आपकी क्या हो बेटा, मुख्तलिफ ऑफेंसेस हो लेकिन यानी कि सीरीज सेम ट्रांजेक्शन हो लेकिन ट्रायल एक हो, लेकिन ट्रायल एक हो तो वहाँ पे भी कोर्ट क्या कर सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, कि इसको चार्ज उसको क्या कर दे, ज्वाइंटली फ्रेम कर दे, समझ आ गई। 235 के सब सेक्शन 1 अगर आपके पास सामने है तो बेटा, अच्छा उसके बाद है बेटा इसी की सब क्लोज 2 है, 235 सेक्शन 2, इसमें उसने लिखा है ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 डेफिनेशन, समझ आ गई, जो क्या कह रहा है ऑफेंस फॉलिंग विद द इन द एम्बिट ऑफ 2 डेफिनेशन, जैसे अगर आपको याद हो कि किडनैपिंग एंड अबडक्शन, किडनैपिंग एंड अबडक्शन की बात हमने पढ़ी थी, कि अगर आपके नेचर ऑफ ऑफेंस जो है वो जो है एक ही आ रही है, यानी कि ऑफेंस उसमें डेफिनेशन आ रही है, तो इसका भी चार्ज हो सकता है वो क्या हो सकता है, इकट्ठा फ्रेम हो सकता है। मिसाल आपको कौन सी दे रहा हूँ आपको, किडनैपिंग एंड अबडक्शन, समझ आ गई। इसके बाद बेटा अगर आप देखोगे सबसेक्शन 3 इसी का, 235 सबसेक्शन 3, समझ आ गई, एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 ऑफेंस बट कॉन्स्टिट्यूट अ डिफरेंट ऑफेंसेस व्हेन कंबाइंड, के जो आपके एक्ट्स हैं ना वो क्या कर रहे हैं, एक ऑफेंस को क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन जब उनको इकट्ठा किया जाता है तो वो क्या कर देते हैं, मुख्तलिफ सीरीज बना देते हैं, क्या बना देते हैं, मुख्तलिफ सीरीज बना देते हैं, समझ आ गई। इसकी जो सेक्शन है 235 सब सेक्शन है 3 है बेटा, तो इन तमाम सर्कमस्टांसेस में जो 35 में मैंने बता दी, ये सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 में जो ये सर्कमस्टांसेस हैं, तो यहाँ पे चार्ज होगा, ज्वाइंटली फ्रेम हो सकता है, समझ आ गई बात की। लेकिन अदरवाइज जो सेटल लॉ है, जो जनरल प्रिंसिपल है बेटा आपके चार्ज का, वो यही कहता है कि चार्ज हमेशा सेपरेट फ्रेम। इसके बाद देखते हैं बेटा सेक्शन 236 है, ठीक है, ऑफेंसेस फॉर व्हिच पर्सन माइट हैव बीन चार्ज्ड, अब ये देखिएगा, ठीक है, कि अगर आपकी सीरीज ऑफ एक्ट्स जो है, आपकी सीरीज ऑफ एक्ट्स दैट इज अ डाउटफुल, ठीक है, जिसमें नेचर जो उसमें क्या हो, डाउट हो, ठीक है, तो लेकिन डाउट किस चीज को हो बेटा, डाउट ऑफ द लॉ बट नॉट फैक्ट, समझ आगे बढ़ते, जिसमें डाउट किस चीज को, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व बट नॉट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, नॉट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, यानी कि डाउट हो किस चीज का, लॉ का हो, फैक्ट का ना हो, तो यहाँ पर भी अंडर 2 सेक्शन 36 क्या कर सकती है आपकी कोर्ट, आप अगर देखें 236 में,
वो क्या कर सकती है, आपको चार फ्रेम इकट्ठा कर सकती है, जॉइंट भी जो है वो चार फ्रेम कर सकती है। अच्छा, फिर अक्सर ये सवाल आ जाता था व्हाट पर्सन कैन बी चार्ज जॉइंटली, ठीक है, यानी कि ये 2.6 में बात आ गई, तो कौन कौन से शख्स हैं जिनका जो चार्ज है वो क्या किया जा सकता है, इकट्ठा फ्रेम किया जा सकता है। तो इसका आंसर बेटा शुरू ही आपने किसे करना है 239 से, चार्ज को डिफाइन करके, जॉइंटर ऑफ चार्ज को डिफाइन करके, कि आपने कहना दैट इज एक्सेप्शन टू जनरल रूल इन व्हिच द चार्ज ऑफ द डिफरेंट पर्सन कैन बी जॉइंटली फ्रेम इज नोन एज जॉइंटर ऑफ चार्ज। के बाद ये हमारी उस चीज में मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको सेक्शन एक बुक के हवाले से आपने बेटा जवाब देना तो फिर है सेक्शन 239, सेक्शन 239 के कौन कौन से जो अशखास हैं उनको जो है वो चार्ज इकट्ठा फ्रेम किया जा सकता है। अब पहली बात नंबर वन, ठीक है, अक्यूज्ड ऑफ द सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, समझ आ गई बात की, अक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस कमिटेड इन द सेम कोर्स ऑफ जो ट्रांजेक्शन है उसकी ट्रांजेक्शन भी कौन सी है, सेम है, ठीक है, अक्यूज कौन से हैं जिन्होंने क्या किया है, सेम ऑफेंस कमिट किया और एक ही ट्रांजेक्शन में किया, यानी कि एक ही एफआईआर है और एक ही एफआईआर में उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ ऑफेंस जो उन्होंने कमिट किए हैं, समझ आ गई बेटा बात की। तो इनका चार्ज क्या हो सकता है, इकट्ठा फ्रेम हो सकता है। उसके बाद नंबर टू 39 में देखेंगे अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, जो कि अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट इट, यानी अबेटमेंट का या उसके साथ उसने अटेम्प्ट किए, ठीक है बेटा। तो बेटा देखो अगर आप जाओगे ना इसमें पीपीसी में, समझ आ गई बेटा बात की, तो पीपीसी में ना पता नहीं आपको पीपीसी वन आपकी कैसी थी, पीपीसी में बेटा कैटेगरीज है, समझ आ गई बात की, जिसमें ये ऑफेंस बुक थी, तो ऑफेंस बुक में ना बेटा देखो उन्होंने ना अटेम्प्ट, ये एक वैध ऐसी पीपीसी किताब है जो कि अटेम्प्ट की हद तक भी ऑफेंस बना देती है, समझ आ गई बात की, प्रिपरेशन की हद तक जो है वो ऑफेंस कह देती है, समझ आ गई बात की। कैसे बोला, देखो अगर हम जनरल डिफाइन करें ना बेटा ये बातें, हम ये कहते हैं कि जो ऑफेंस है ना उसके चार इंग्रेडिएंट्स पूरे होंगे तो वो ऑफेंस बनेगा, लेकिन वैध ये कैसी ऑफेंस बुक है पाकिस्तान पिनल कोड जिसने अटेम्प्ट की बुनियाद पर भी क्या किया, कह दिया कि ये जुर्म है, समझ आ गई, कैसी अटेम्प्ट, अगर आपको याद हो तो अल्लाह आपका भला करे, आपका 121 से 122 123 उसके बाद 324 और 399 तो यह चार सेक्शन हैं जो अटेम्प्ट, अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना, आपने वो ऑफेंस परफॉर्म भी नहीं किया ना, अगर जस्ट आपकी अटेम्प्ट है तो वहाँ पे आपको चार्ज किया जाता है कि आपने आप भी है परफॉर्म योर ड्यूटी, यानी कि आपको पिनलाइज किया जा सकता है, आपको सेंटेंस ग्रांट की जा सकती है। इसी तरीके से बेटा तो ये जो है ये बात की प्रिपरेशन के हवाले से, अगर हम बात करें अटेम्प्ट की तो अटेम्प्ट आ जाती है 511 324 और एक रॉबरी की अटेम्प्ट है और एक डिकेटी की अटेम्प्ट है, चार हिस्से के सेक्शन आ जाते होते हैं इसकी अटेम्प्ट की। प्रिपरेशन जो है आपको जैसे वेजिंग ऑफ वार की मैं बता रहा था 121 ए 122 123 और जो है आपका भला करे एक जो है प्रिपरेशन इसकी डिकेटी की, ये चार प्रोविजंस डील करती हैं प्रिपरेशन को, ठीक है। आप किसी को जंग के लिए तैयार करते हैं वेजिंग ऑफ वार, आप अपने किसी को अपने आप को छुपा लेते हैं और दूर हो जाते हैं एक्टिविटी से, ये बातें कहने का मतलब ये है कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट की बुनियाद पर वैध ही आपका सबस्टांटिव क्रिमिनल लॉ जो क्या करता है सजा ग्रांट कर देता है, यानी कि वो भी ऑफेंस है। तो इस तरीके से उसने ये कह दिया कि अक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड, ठीक है, जो इन द आपको जैसे वो बता रहा हूँ आपको अबेटमेंट है और आपकी अटेम्प्ट कमिटेड, समझ आ गई बात की। तो इसमें भी आपका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इकट्ठा फ्रेम हो सकता है। इसमें अगर सबसेक्शन 3 देखेंगे when the accused of more than one offences of the same kind in one year 20, yani jaise maine pehle hi aapko bata diya 230 aapko 4 mein bata diya ki usne kya offence commit kiya, mukhtalif offence commit same offence commit kiya lekin ek saal mein kiya, theek hai 234 ke baad jo aa gayi uske baad beta agli baat aa gayi chauthi, person accused of different offences committed in the course of same transaction 235 bhi, ye sari baatein aapne likh ke aakhir mein aapne jo zikr kar diya na person accused of offence relating to the counterfeit coins its abetment and attempt to committed such offences, so ye jo ya aapki dishonestly receiving the stolen property, to aise agar offences honge to inka charge kya ho sakta hai, 20 frame ho sakta hai, ye circumstances hain hamare notes mein, ye aap to padh loge, to dekho beta padhna aapne khud tay karna chalo, theek hai, mere paas to isme koi nahi hai, main to jo padhane ka andaaz hai ye jaise main baithta hu ya jo halaat yahan pe main face karke aata hu wo mera allah behtar jante hai, theek hai। तो उसके बाद मैं तो आपको ओपन कन्फेस कर रहा हूँ वीडियो में, ठीक है, ये इन केस ऑफ इमरजेंसी है, नहीं तो मेरे पास भी बच्चा था वो आपका स्टूडियो भी नहीं, व्हाइट बोर्ड हमारा है वो छोटा सा व्हाइट बोर्ड हमने रखा है, तो
तो सबसे जो हमें इशू होता है यहाँ पे नेट का इशू होता है, ठीक है। जैसे स्पीड चल रही होती है, मैं दिल में यकीन मान जो मेरा फोकस शायद लेक्चर की तरफ नहीं होता, मैं अपनी रिकॉर्डिंग तरफ देख रहा होता हूँ कि क्या मेरा नेट चल रहा है, मेरे सिग्नल्स हैं, ब्लड इस तरफ फोकस बैठ के जिसने पढ़ाना है उसकी क्या स्टडी होनी है, ठीक है। स्टडी ये होती है जब बंदा फेस टू फेस बैठा हो, मेरा मुझे एक पता हो आई हैव टू डिलीवर, ठीक है। फिर मेरी एक जो होता है वो एक के साथ एक चीज बनती जाती है, बंदा कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो यहाँ पे बैठ के बड़ा लिमिटेड सा होकर खाना पड़ता बेटा। तो ये बातें हैं आपकी ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस के बारे में। पहला जो कल मेरे पे आपने कहा था कि सर ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस से क्या मुराद है, ठीक है बेटा। तो आपने पहले ही शुरुआत ये करनी है कि भाई जान ये सेटल प्रिंसिपल है, समझ आगे बात की किस चीज का, कि जो शख्स जो जो ऑफेंस कमिट करेगा ना उसका चार्ज सेपरेट फ्रेम होगा, उसका चार्ज सेपरेट फ्रेम होगा, समझ आगे बेटा बात की, उसका चार्ज क्या होगा सेपरेट फ्रेम होगा, ठीक है। तो ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस जो है वो 234, 235 और 236 और 239 में ये बातें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप एक दफा पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ तक अगर किसी ने बेटा ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस के बारे में कोई बात पूछनी है आपने, ठीक है, तो 100 जो है आगे थोड़ी सी और टेक्निकलिटी भी है आपके 237 में, समझ आगे बात की। तो कि एक जो शख्स जिसने है वो किसी ने कोई आपने कई बात यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी है बेटा तो आप पूछ लो ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस के मुतल्लिक, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक्सेस दे दी है सबको बेटा, तो जिसने कोई क्वेश्चन करना है तो जी बिस्मिल्लाह। बेटा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो एक्सेस मैंने सबको दे दी। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? मुझे लगता है सबने सेल फोन रखे हैं और लोग बड़े सुकून से बैठे हुए हैं। नहीं नहीं सर जी क्लियर हो गया। हाँ जी नहीं नहीं सर जी क्लियर हो गया सर जी। नहीं सर जी कोई क्वेश्चन नहीं। बात किसी और सना आपने कोई बात पूछनी जी? सना सुन रहे हो आप? अब ये देख लो सना को हम दूसरी दफा वार्निंग दे रहे हैं कि सना ये जो है वो लिख रख के ना जो है वो सेल फोन पर गायब हो जाते हैं, वीडियो बंद की आपने मूड लगाया और गायब हो गया, उस्ताद करता रहना। उमर नियाज कुकर आप जाग रहे हैं ये सो गए? उमर नियाज इसके बाद कौन सामने आ रहा है? ये रामिया निमरा रिफ्ता सालिया नूरी इंसाना मलिक जी जी सर नो क्वेश्चन जी सर कोई क्वेश्चन नहीं है जी सर कोई क्वेश्चन नहीं है इसका कोई क्वेश्चन नहीं। और ये अतीका सर उमर ने आज तो है ही नहीं ऐड। उमर ने आज है बेटा मेरे साथ 19921 यूएन के नाम से है उसकी मिनट्स मुझे शो हो रही। किरण बेटा आपने तो बात पूछनी है। मारुख मोहसिन अमीन मोहम्मद अदील तौकीर अमजद अब्बास नहीं नहीं सर क्लेरिफाई हो गया, दोबारा जब हम तैयारी करेंगे तो अगर कोई क्वेश्चन आता है जरूर पूछूंगी आपसे। इसके बाद कोई और जी नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं है। अमजद अब्बास आप के बारे में बता, उसके बाद मैसेज आया था बेटा मुझे अजील का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपके एग्जीक्यूशन की जो सेक्शन रह गए थे ना वो कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस वाली, क्योंकि मैं तो पढ़ा वही पे रहा था तो छुट्टियां जी सर वो छुट्टियां हो गई थी। हाँ तो इनको इंशाल्लाह हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट वीक में एग्जीक्यूशन भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। ओके सर। तो इसमें कोई और है आपको टॉपिक और आपको लगता है तो आप बता दो, बी फ्रेंकली बता दो।
मुझे तो इसमें बेटा कोई आउटलाइन नहीं सेंड की सर, कोर्स आउटलाइन सर। जी बेटा मेरे पास है नहीं फिलहाल, मैंने किसी के जिम्मे लगाई नहीं, आपको आ जाए मेरे लैपटॉप में ही, तो उसकी हार्ड कॉपी मेरे पास दफ्तर में पड़ी हुई है क्योंकि मैंने वहां पर रखी हुई, तो मेरे पास जो होती तो मैं सेंड कर देता। मैंने अली, अगर अली रजाक अगर सुन रहे हो तो आपके पास होगी यार ये, तो कंटेंट्स तो फॉरवर्ड कर देना सर, मैं देख लेता हूं, अगर मेरे पास हुई तो मैं भेज देता हूं। तो ये आपकी क्लास की होगी उम्मीद है मैं इसमें, इसके बाद नहीं तो ये आज लगता खुशवाला भी क्लास में नहीं है, चेक कर लेता हूं सर मैं। हां तो हो उसको भी सेंड, बल्कि ग्रुप पे सेंड कर देना, कोई इशू नहीं, पास होती तो मैं सेंड कर देता, बट मैंने क्या करना, ये ग्रुप पे सेंड कर दे सर, ओपन आ जाएगी ग्रुप में आएगी ना, हाँ ठीक आ जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आज आपके अटेंडेंस ले लूं खुद ही, अगर आप जाग रहे हैं सारे तो कर ले सर। आसन फिर तेरी आवाज आ रही है मेरी। जी सर, सेक्शन सर 234 की सर समझ नहीं आ रही, उसमें आपने तीन पॉइंट्स बताए। 234 में मैंने नहीं पॉइंट्स बताए, मैंने 235 में पॉइंट्स बताए। हां सर, वही जो है जिसमें आपने बताया कि वो पर्सन सेम हो जिसने वो जो किए वो, हां पैसे बुक बेटा आपके पास है बुक? जी सर, मोबाइल में ही है सर। हां बुक सेक्शन पढ़ 235 का सब सेक्शन 1 पढ़ बेटा। इफ 235 trial for more than one offense, haan ji, but if in na thoda bolu suko same transaction kaam gum ho gaya।